गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव की मुनासिबत से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जेर एहतमाम पुंछ में हर सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है। 15 से 21 नवंबर तक ये प्रोग्राम जारी रहेंगे और 21 नवंबर को पुंछ गुरुद्वारा साहब से एक महान नगर कीर्तन भी निकाला जाएगा जो मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ दोबारा गुरुद्वारा साहब में इख्तिताम पसीर होगा। 23 नवंबर को पाठ के भोग डाले जाएंगे और इस तरह से गुरु नानक जी महाराज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। इसी मुनासिबत से आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने भी पुंछ आज से बात की है। आपको दिखाते हैं जेबी सिंह काका की ये रिपोर्ट। खालसा वाहगुरु जी की फतेह। समूह पुंछ निवासी संगतान का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जो अमृत वेले प्रभात फेरियों में शामिल होकर गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब के संबंध में हर घर घर जाके होका दे रहे हैं। समूह संगतान का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी जिवें पहले भी जानते हो कि 15 तरीक तो प्रभात फेरियां जिहड़ियां ने आरंभ हुई ने, 21 तरीक न श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के जो है पाठ रखे जाएंगे और 23 तरीक को भोग उपरंत सारा प्रोग्राम जो है गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में होगा। 21 तरीक को ही जो महान नगर कीर्तन हर साल की तरह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में निकलेंगे और अपने ट्रेडिशनल रूट तो होंदे होया वापस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पहुँचेंगे। तो मैं एक बार फिर समो पुंछ निवासी संगतान बेनती करता हाँ बिना मजबू मिलत ओ अपना समा कट के इन प्रोग्रामों में शामिल होवन। मैं इतने के नौजवानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ जो अमृत वेले इस संगत के लिए जो नाश्ते का प्रबंध जरा है वो करते हैं। तो एक बार फिर समो संगतान प्रति बेनती है कि जो गुरु नानक पातशाह का जो पुरब आ रहा है उस संबंध में सारिया संगत अपने निजी कामकाज जोड़े ने उन्होंने एक पास रख के गुरु के जो है इन प्रोग्रामों में शामिल होकर गुरु दी खुशियां प्राप्त करो। वध करदे खिमा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।